टिकट भेजे जाने के आरोपों का मनीष सिसोदिया ने जवाब दिया है और बीजेपी एमसीडी का चुनाव हार रही है ऐसा उन्होंने कहा है। सिसोदिया ने सफाई दी है इसी मैटर को लेकर के और यह भी साफ तौर पर कहा है कि अगर किसी ने पैसा लिया है तो टिकट नहीं दिया गया है। सिसोदिया ने दावा किया है आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता बढ़ रही है और इसीलिए बीजेपी लगातार घबरा रही है। मनीष सिसोदिया ने इसी बात को लेकर के जो कि बीजेपी लगातार उठा रही है इसी को लेकर के सफाई दी है और यह भी साफ तौर पर कहा है कि अगर किसी ने पैसा लिया है तो टिकट नहीं दिया गया है। एक तरफ बीजेपी ये कह रही है कि सिर्फ एक विधायक नहीं है और भी विधायक सामने आएंगे और दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया की सफाई। टिकट बेचे जाने के आरोपों का मनीष सिसोदिया ने जवाब दिया है जिसमें लगातार सवाल पूछ रही है बीजेपी और यह भी पूछा जा रहा है कि इस विधायक पर क्या एक्शन आम आदमी पार्टी लेगी। देखिए ये दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी भी जान रही है कि वो हार रही है और आम आदमी पार्टी एमसीडी का चुनाव जीत रही है। आज चारों तरफ यह है कि एमसीडी में आम आदमी पार्टी बहुत प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतने वाली है तो जाहिर सी बात है कि आम आदमी पार्टी के टिकट की डिमांड भी काफ़ी थी। आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ने वाले आम आदमी पार्टी में और उसके आसपास बहुत लोग थे जो चुनाव लड़ना चाहते हैं। वैसे में आज इस तरह की घटना से एक तो आम आदमी पार्टी के लिए संतुष्टि की बात है कि कोई अगर कहीं किसी से पैसे मांग और ले भी रहा है दे भी रहा है तो टिकट नहीं बिकता इस पार्टी में। ये इस पूरे घटनाक्रम से एक अच्छी बात आम आदमी पार्टी के बारे में सामने आ रही है कि किसी ने किसी को पैसे दे भी दिए और किसी ने किसी से पैसे ले भी लिए कहीं किसी ने दूर दूर लेकिन टिकट नहीं मिला उसको, तो इसका मतलब आम आदमी पार्टी में टिकट नहीं बिकता। इस घटना से मैं एक सिल्वर लाइनिंग इसमें देख रहा हूं कि आम आदमी पार्टी इस टेस्ट में पास हुई कि किसी ने किसी को पैसे भी दे दिए और टिकट लेने के नाम पर ले भी लिए लेकिन उसको टिकट नहीं मिला, यानी कि आम आदमी पार्टी में पैसे नहीं चलते टिकट के। ये अपने आप में इस बात का प्रमाण आ गया सामने। लेकिन जाहिर सी बात है कि इधर उधर कोई किसी को बोले कि भाई मैं तो पैसे लेके आपको टिकट दिला दूंगा तो मैं तो ऐसे तमाम लोगों से जो आज अब तो खैर टिकट की प्रक्रिया पूरी हो गई आगे के लिए भी कहना चाहूँगा कि कहीं भी कोई आदमी आपको कहे कि मैं आम आदमी पार्टी में टिकट दिला दूंगा पैसे दे दीजिए बिल्कुल यकीन मत करना, सबसे बड़ा झूठा होगा वो आदमी जो ये कहेगा। और इसका प्रमाण आज की ये घटना है जो सामने आई है कि कोई किसी से पैसे ले रहा था अगर ऐसा आरोप है ले रहा था फिर भी उसको टिकट नहीं मिला। यहाँ पैसे देने से टिकट नहीं मिलते हैं आम आदमी पार्टी में, ये बात साफ हो गई है। इस मामले में मैं ये कहूँगा कि पूरी निष्पक्ष जांच हो और जिसने भी अगर किसी ने टिकट दिलाने के नाम पे किसी को धोखा दिया पैसे लिए आम आदमी पार्टी का कोई किसी जगह था उसका दुरुपयोग करने की कोशिश की उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।